अमृतसर से बॉर्डर कितनी दूर है। उन्होंने कहा भाई ये साथ ही बॉर्डर है बस, ये अब जाएंगे हम पहुंच जाएंगे। ये दूसरी बात गाइस मैं आपको ये बता दूं कि ये कहते ऐसे ही हैं कि ये बस साथ आ गए ऐसे, वो करते करते वो इतनी दूर ले जाते हैं आपको कि आपको पता है मतलब के खोते को मारना वही बात है, मतलब इंसान को मारना गधे को मारना कोई मुश्किल नहीं है उनके लिए, ऐसे ही बंदा मारना कुत्ता मारना कोई मुश्किल नहीं है उधर को, इंसान को एक बराबर है, इंसान को गोली भी मार देंगे ना तो इंसान उधर कुछ भी नहीं कर सकता ऐसे ही। क्योंकि उधर से जो टीम हमारे से पहले आगे गई हुई थी ना उधर दो लड़के मरे हुए थे देख लें गाइस, ये डेढ़ महीना हमें लगा है। ठीक है तो डेढ़ महीने में मैंने खाना नहीं खाया, एक बुर्की खाता था इतनी मोटी बुर्की थी, एक खाना दिखा तो उनके गले पर जी निशान बड़ा सा ही देखिए अगर आप दिखा देख सके ये गला जो है ना पानी में मिलता था आमतौर पर, ये काफी ये देखे बड़ा इनके गला है, ये इसकी वजह से हुआ इनका क्योंकि ये इन्होंने काफी दिन ये
आप वहाँ पर जाएंगे, अगर आप खुदा ना खासा आपको जान को कुछ खतरा हो या कुछ हो जाए आपको, तो वो आपकी लाशों के कोई वारस नहीं होगा, आप वहीं पर पड़े रहेंगे, आपकी लाशें गर्भी नहीं शायद ना आ सके सारी उम्र। तो
तो आपके घर वाले शायद आपको सारी उम्र देख भी ना सके। जी फिर जी बिल्कुल ऐसे ही है भाई। उधर से जब हम आगे चले गए तो आगे हम वहाँ से फिर आगे से सफ़र किया। उन्होंने वो जो पुराने कलर की जो गाड़ियाँ होती है ना, जो मतलब कि इंडिया के फिल्मों में आती हैं पुरानी गाड़ियाँ, उसमें उन्होंने उन्होंने कहा यहाँ पर लेट जाओ, ठीक है, खड़े नहीं होना आपने, यहाँ पर लेट जाओ। वो गाड़ियों में लिटा दिया। ठीक है। वो पीछे से ओपन थी तो वो जब पहाड़ियों में से गुजर रही थी ना इतनी स्पीड से, तो ये जो सर है ना ये नीचे लगता था पूरा जिस्म, ऊपर से आते थे फिर नीचे लगते थे धड़ल। तो वो खतरनाक नजारा है बहुत, यानी कि खुद सीरियस पूछे मुझे खुद डर लग रहा है इन भाई से बातें सुन के, पता नहीं लोग कैसे डंकी लगा लेते हैं यार। अच्छा वो हमें हमें ये भी पूछते थे कि आप कुछ हुआ का नहीं हुआ, वो ऐसे गाड़ी से चला रहे होते थे फुल स्पीड से, तो उसके मतलब कि जंप ऊपर ऊपर लग रहे थे काफी ज्यादा, तो नीचे उन्होंने स्प्रिंग जो गाड़ियों का ना स्प्रिंग लगाए होते थे काफी ज्यादा,